राजधानी शिमला में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं बढ़ते मरीजों के चलते जिला प्रशासन ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को एक बार फिर से कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। अगर ऐसा होता है तो अस्पताल में मरीजों के लिए ओपीडी सेवा एक बार फिर से बंद हो सकती है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। बीते वर्ष कोरोना के मामले बढ़ने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय अस्पताल डीडीयू को डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया था। अस्पताल के न्यू ओपीडी ब्लॉक को आइसोलेशन वार्ड में बदला गया था। कोविड सेंटर बनने के बाद परिसर को पूरी तरह सील कर दिया गया था। इस बार कोविड के मामले बढ़ने के बाद एक बार फिर यही स्थितियां बनती नजर आ रही है। प्रबंधन ने यहां पर पहले मरीजों के लिए 40 बेड की व्यवस्था की थी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद इनकी संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई थी। हालांकि दिसंबर और जनवरी माह में मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद अस्पताल को पहले की तरह सामान्य कर दिया गया था, जिसमें कि मरीजों को ओपीडी ऑपरेशन की सुविधा प्रदान की गई थी। अस्पताल में औसतन 500 से 600 मरीज इलाज के लिए रोजाना आ रहे थे, लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए डीडीयू को एक बार फिर डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त स्टाफ की भी मांग सरकार से की गई है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे, जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड शनान संजौली शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।